birthday to you. हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज़रूर बताना मुझे। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, कमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बातें करेंगे। और आज मैं रात में काम नहीं कर पाया, तो आज मेरे ऊपर काम काफ़ी बढ़ गया है। तो अम्मा की ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी है, पर अभी घर की सफाई बची हुई है। और वीक में एक बार मैं अपनी गाड़ी को यानी कार को भी स्टार्ट करने ज़रूर जाता हूँ। स्टार्ट करके 5-10 मिनट तक थोड़ा सा चालू करके इंजन रखता हूँ, थोड़ा सा 10 कदम आगे पीछे गाड़ी को कर लेता हूँ, जिससे गाड़ी ठीक ठाक सही सलामत रहे कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो गाड़ी चलने के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि गाड़ी को छोड़ दिया 1.5-2 महीने और पता चले कि जब ज़रूरत है तो चल ही नहीं पा रही। इसलिए अपनी कार को आप या जो भी आपके पास गाड़ी है उसको एटलीस्ट वीक में एक बार 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर ऑन करें और उसको चार्ज करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है। और बहुत दिन तक गाड़ी एक जगह खड़ी रहती है तो चूहे हुए भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मूव करना ज़रूरी होता है, गर्म करना ज़रूरी होता है। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जाके अपनी कार को 15 मिनट चालू करके आता हूँ, उसके बाद सफाई वफाई कर लेता हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं आपसे बातें करता हूँ, या चलो कार को चालू करने जाता हूँ तो कार को ऑन करूँगा तो कार में ही बैठ के आपसे बातें कर लेता हूँ, वो भी ठीक रहेगा। और सुंदरता पे भी ध्यान देना है, बहुत सारे काम हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है, इसमें फ्यूल भी थोड़ा कम है, फ्यूल भरवाना पड़ेगा, पर अभी जा नहीं सकते तो इसको उतार देता हूँ। वैसे भी लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ बहुत कम आती है, तो इसको उतार देता हूँ। तो फ्यूल भी थोड़ा कम है तो 10 ही मिनट चालू रखूँगा, नहीं तो फ्यूल भी ख़त्म होने लगेगा। और फ्यूल जो है अभी तो नहीं भरा सकते, इतना तो है कि 30-40-50 किलोमीटर चलेगी, पर फ्यूल जब बाहर जाएंगे तो भरवाएंगे। फ्यूल भरवाने के लिए स्पेशली बाहर जाना ठीक नहीं है। तो गाड़ी चालू करना बहुत ज़रूरी भाई। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो के जो मैंने डाला था अम्मा की मॉर्निंग रूटीन, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो उन कमेंट्स के में बहुत सारे कमेंट्स में थे, जैसे मैंने बोला था कि अम्मा पे कितना खर्चा करता हूँ मैं कभी किसी वीडियो में बताऊँगा, उसके पीछे मेरा कोई वो लॉजिक नहीं था जैसा कुछ लोगों ने सोचा कि मुझे दिखाना कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ। ऐसे एज सच हम लोग डेली एक्टिविटी दिखाते हैं आपको, तो मैंने ये सोच के बोला था कि ये भी एक एक्टिविटी, ये भी एक पार्ट है हमारे लाइफ का, तो उसको भी बताते हैं जिससे आपको भी आइडिया रहे कितना खर्चा होता है, मतलब बुढ़ापे में जनरली, जिनको जो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो लोग अपने माँ बाप या बहुत सारे लोगों ने बोला था उनके भी माँ बाप या सास ससुर या दादा दादी नाना नानी रहे तो उनको तो पता ही है कि कितना होता है। तो पर ठीक है, मतलब मुझे भी लगा कि थोड़ा इसका गलत इम्प्रेशन भी जा सकता है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना खर्चा करता हूँ, ये इम्प्रेशन भी जा सकता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। सो चाहे जितना खर्चा होता हो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा खर्चे पर, जैसा सभी लोगों ने सजेस्ट किया कि ना बनाओ, तो ठीक है मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उसका गलत इम्प्रेशन चाहे फैमिली पे, चाहे अम्मा पे या किसी पे कि कितना खर्चा करता हूँ। बाकी फैमिली और अम्मा को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि मैं कितना खर्चा करता हूँ, तो बताने की ज़रूरत नहीं सभी लोगों को। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा एज सजेस्टेड बाय सभी लोग, मैं कुछ लोगों के द्वारा। और कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि जैसे आपको अम्मा ने कितना प्रॉपर्टी भी तो दिया होगा और ये वो, तो खर्चा करने में क्या, तो फिर नहीं, अब प्रॉपर्टी तो पहली बात तो प्रॉपर्टी जब तक पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं आपको मिलती नहीं है, जब तक आपका कोई भी पेरेंट्स ज़िंदा है तब तक आपको नहीं मिलती, जब सभी पेरेंट्स नहीं रहते हैं देन प्रॉपर्टी होती है। फिर भी प्रॉपर्टी आपको तभी मिलती है जब प्रॉपर्टी में बंटवारा होता है या आप उसको बंटवारे में लेते हो। तो अभी एज सच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अम्मा के ना रहने के बाद भी प्रॉपर्टी में बंटवारा करूँ,
प्रॉपर्टी जैसा है जो रहेगी, और जिस भाई को यूज करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं यूज करना होगा नहीं करेगा, बंटवारा जैसा करके घर में इस तरह का माहौल पैदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है बंटवारा करने का। और फिर कुछ लोगों ने बोला था कि अम्मा की सेविंग्स तो होगी उसमें से, आप खर्चा कर सेविंग्स तो होगी उसमें से यूज करते होंगे, तो अम्मा की सेविंग्स है, काफ़ी सेविंग है, पर अम्मा की सेविंग्स कोई भी मेरे पास नहीं है और ना अम्मा अम्मा के पास है। एक्चुअली अम्मा की सेविंग जो भी है वो अम्मा में, जैसे हर मैक्सिमम घरों में होता है कि माँ बाप अपने सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, तो मेरे भी सबसे छोटे भाई को मम्मी जो अम्मा जो है मेरी सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और उन्होंने ही उस सेविंग का एक्सेस उसको दे रखा है, सारी सेविंग उसके हाथ में है, वो अपने हिसाब से उस सेविंग को रखा है। अभी उस सेविंग का वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे कुछ नहीं पता है। जब अम्मा नहीं रहेंगी तो तब तक अगर हम लोग ब्लॉग बनाते रहेंगे उतने सालों तक, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि वो सेविंग अम्मा की उसने क्या किया या क्या नहीं किया, और उस सेविंग से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, उस सेविंग से मैं नहीं खर्चा करता हूँ, जो भी अम्मा के ऊपर खर्चा होता है हम लोग अपने ही पैसे से करते हैं और कर रहे हैं जब तक हो सकता है। खर्चे ज़्यादा हैं पर मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करते हैं तो कर रहे हैं। अम्मा की सेविंग से नहीं हमें कुछ मिला ना, मेरे पास उसकी एक्सेस भी नहीं है मेरे पास कि मैं उसमें से कुछ निकाल सकूं, मेरी मर्जी भी नहीं चल सकती, और बाकी घर वालों की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, उनकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, और कुछ लोगों ने कमेंट किया तो आपके माँ बाप ने भी बचपन पे आपके ऊपर काफ़ी खर्चा किया होगा, अब इसलिए माँ बाप खर्चा करते ही अपने बेटे पे और बेटी पे, सब पे करते हैं, जो जो उनके औकात होती है, जिस हिसाब से उनकी अर्निंग होती है उस हिसाब से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो करते हैं। तो हर माँ बाप की अलग अलग कमाई होती है, हर माँ बाप हर फैमिली की, मतलब हर फैमिली की अलग अलग इनकम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बीच की होती है, तो जिसकी जितनी भी होती है अपने बच्चे पे उस हिसाब से जितना हो सकता करता है। अब इसलिए मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर किया और जो उनसे होता हो सकता था करते थे, और मैं भी जो हो सकता है करता हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि बातें, वो तो ठीक है माँ बाप ने खर्चा किया तो उनका जितना खर्चा है करे, पर क्या होता है ना कभी कभी, इसको आप लोग निगेटिव ढंग में मत लेना, कभी कभी क्या होता है कि आपकी इनकम लिमिटेड होती है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके इनकम अगर 100 रुपये ही है, ठीक है, पर आपका खर्चा आपके अपने बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना है, ठीक है, उसका भी खर्चा करना है, उसका भी कुछ खर्चा होगा, आप जिस घर में रहते हैं उसका भी किराया होगा या ख़रीदा होगा, EMI होगा या नहीं होगा, जो भी होगा उसका भी कुछ खर्चा होगा, वहाँ पे काम करने वालों का खर्चा होगा, फैमिली का कुछ खाने पीने का खर्चा होगा, फिर आपकी वो जो भी आपका भी कुछ खर्चा होगा, वाइफ का भी कुछ खर्चा होगा, फिर उसके बाद मम्मी पापा भी रहते हैं कुछ तो खर्चा होता है, ठीक है, उनका भी खर्चा होगा, तो भी आपकी फैमिली सब जोड़ के अगर आपका खर्चा 125-30 रुपये जा रहा है और आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, तो तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। उस केसेस में थोड़ा सा आदमी को फ्रस्ट्रेट होने लगता है, तो उसमें मैनेज करना बहुत टफ होता है, तो इस तरह की भी सिचुएशन कभी कभी आती है। तो ऐसा बोलना कि आपके ऊपर खर्चा, कि आपको खर्चा करना चाहिए, हाँ खर्चा ज़रूर करना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा खर्चा हो तो क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि कभी कभी खर्चा इनकम से ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका जैसे फैमिली का खर्चे जो आपकी इनकम है 100 रुपये मान लो, और माँ बाप को रहने रखने से आपको उस इनकम की जो हो रहा अर्निंग जो सॉरी आप माँ बाप को रखने से जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है 130 रुपये हो जा रहा है, और न रखने से वो 70 रुपये हो जा रहा है, तो जब इतना ज़्यादा खर्चे और रखने पे डिफरेंसेस होते हैं ना, जब बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं बुढ़ापे में, और अगर बीमार हों पेरेंट्स हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, उनकी मेडिसिन वगैरह बहुत कॉस्टली हों, बहुत चीज़ें हों, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय थोड़ा सा मैनेज करना टफ होता है। तो और कुछ कॉस्ट को आप कट नहीं कर सकते हो कितना भी चाहिए, तो जैसे कि मेडिसिन को आप नहीं कट कर सकते हो, कुछ भी कर लो क्योंकि वो ही वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें कट नहीं की जा सकती। तब मतलब कहने का मकसद मेरा जो था वो आप समझ गए होंगे,
आप उसको आप निगेटिव पॉजिटिव ढंग से मत निकालो। तो और कोई रीज़न नहीं था खर्चा बताने का। मेरा बताने का मतलब ये था कि खर्चा कैसे होता है, आप उसको समझ सको कितना होता है, जिस जिस हिसाब से आप अपने पेरेंट्स के लिए, अगर आपके पेरेंट्स अभी यंग हैं और 60-65 के हैं, तो आप उनके लिए उस हिसाब से सेविंग कर सको, प्लानिंग कर सको, अपने लिए भी कर सको, और अपने पैसे का एक्सेस जो है आप किसके पास रखो ये भी सोच सको। क्योंकि अगर आपके पास 2-3 बच्चे हैं और आपने किसी एक को एक्सेस दे दिया और आपको वो बच्चा न रख के कोई और बच्चा रख रहा है अपने साथ, और एक्सेस तो उसको आपने दे रखा, रख कोई और रहा, तो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा बुढ़ापे में। ये मेरे लिए भी अप्लीकेबल है, अभी तो मेरी एक ही बेटी है, अगर मान लो दूसरा बच्चा होता है, इनकेस 2 बच्चे होते हैं, तो मुझे भी उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए। क्या होता है कि बुढ़ापे में ऐसा भी नहीं होता, जैसे अम्मा ने अपने पास भी एक्सेस फॉर एग्जांपल रखा होता, तो उनको अभी साइन भी करने को नहीं हो पाता है, और कार्ड वगैरह वो नहीं यूज कर सकती हैं, फिर बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं। तो उस हिसाब से पैसे को रखो ना, कि कुछ पैसे अपने पास रखो, कुछ पैसे जो है थोड़ा थोड़ा दोनों के पास रखो, कि जिस जो भी मेरे पास रखे उसके पास मेरी भी सेविंग का एक्सेस हो, कि मैं उसके खर्चे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मेरे कारण से, तो वो मेरे सेविंग से थोड़े पैसे निकाल के मेरे खर्चे को भी चला सके। क्योंकि वो मेरे लिए मेहनत तो कर ही रहा है, मेरे लिए सारे एफर्ट्स दे रहा है, टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर मान लो उसको फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे सेविंग से यूज कर सके। आखिर सेविंग किस लिए होती है? सेविंग इसलिए नहीं होती कि मैं मर जाऊँ तो मेरी सेविंग मेरे बच्चों में बट जाए। सेविंग इसलिए भी होती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसमें से कुछ पैसे मेरे को ज़रूरत है तो यूज होता रहे मेरे ऊपर, मैं खुशी से रहूँ, मेरी जो इच्छा हो खरीदने की मैं खरीद सकूँ, मेरे ऊपर कोई खर्चा हो रहा है तो मैं मतलब प्राउडली बोल सकूँ, बेटा तुम अच्छा मेरे लिए इतना दवाई खरीद रहे हो, ये लो मेरे पैसे में से इतना यूज करो, इतना करो, तुमको दिक्कत हो रही होगी। तो इसलिए पैसे का एक्सेस कुछ मेरे पास भी होना चाहिए या मेरे उस बच्चे के पास भी होना चाहिए, जिससे वो उसको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि सारे फाइनेंशियल बर्डन और सारी मेहनत और सारे एफर्ट्स वही बच्चा एक ही ले रहा है, दूसरा बच्चा उस पैसे पे एक्सेस रखा हुआ और वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को बताने का मेरा मकसद यही था कि आप उस हिसाब से अपने फ्यूचर की और उस हिसाब से अपने पेरेंट्स की प्लानिंग करिए, कि जब ज़रूरत पड़े तो उनके फाइनेंसेस हो, उनकी सेविंग्स हो, वो यूज हो सके। अगर उनके पास सेविंग नहीं हो तो उन पर कितना खर्चा होने वाला है उस हिसाब से आपके पास सेविंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उस समय आपकी अर्निंग ना हो, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की अर्निंग ऑलमोस्ट 80% कम हो गई है, हमारी भी अर्निंग काफ़ी कम हो गई है, और हमारी भी अर्निंग 30-40% हो गई है पहले से, और काफ़ी हैं जैसे दुकान वाले हैं या जो हैं पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, या जो मतलब जिनकी दुकानें थीं जो खुलेंगी नहीं तो पैसे ही नहीं आएंगे, तो उन सब की अर्निंग तो ऑलमोस्ट 0 हो गई है आज के डेट में। केवल जो जॉब वाले थे उनकी अर्निंग आ रही, क्योंकि उनकी सैलरी आ रही है, ठीक है, भले 20% हो सकता है किसी कंपनी ने सैलरी कट किया हो, बहुत सारे ने 99% ने तो कट भी नहीं किया, कुछ ने कट किया होगा, 20% 30% कट किया होगा, 40%, फिर भी कुछ तो आएगा। पर आपकी अगर दुकान है तो आपको 0 अर्निंग आएगी इस टाइम पे, क्योंकि दुकान से तो कुछ बिकेगा ही नहीं, रेस्टोरेंट है या कुछ भी है आपका दुकान तो नहीं बिकेगा। आप पंडित हो, पुजारी हो, ना मंदिर खुले हुए हैं, ना पूजा करा सकते हो, नहीं कहीं जा सकते हो, तो आपकी अर्निंग 0 हो गई। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा है, तो उस समय के लिए आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है, या आपके पेरेंट्स आपके पास हैं और पेरेंट्स के पास अच्छी खासी सेविंग है, तो उस सेविंग का एक्सेस आपके पास होना चाहिए या आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए, कि ज़रूरत पड़ने पे वो सेविंग को उस टाइम पे यूज किया जा सकते। पर क्या होता है कि फैमिली में क्या होता है कि अगर एक के पास एक्सेस है और उसका मूड क्या है, आप बोल भी नहीं सकते हो, बोलोगे तो क्या पता वो उसको लगे कि पैसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको पहले लालच आ गई है। नहीं समझता हर कोई आदमी कि सामने वाले को क्या ज़रूरत है, तो हर कोई की सोच सेम नहीं होती, हर कोई एक ही ढंग से नहीं सोचता। मैं किसी और ढंग से सोचता हूँ, दूसरा कोई और ढंग से सोचता है, आप किसी और ढंग से सोचते हो, कुछ लोगों की सोच मैच करती है, कुछ की नहीं मैच करती है, तो क्या होगा नहीं पता है, फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता होता। तो प्लानिंग इस हिसाब से करना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर सब चीज़ें
आपके पहुंच में रहे, पैसे आपके पहुंच में रहे, सब कुछ आपके पहुंच में रहे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए मैं सब बात चीज़ें बताना चाहता था, पर मेरे बताने का और कोई मकसद नहीं था, तो उसका गलत मीनिंग ना निकालें। गलत अगर मुझे गलत करना होता और गलत सोचना होता तो मैं अपने माँ को अपने साथ इतने टाइम नहीं रखता, बाकी भाई भी तो भगा दिए हैं, तो मैं भी वही करता है कि नहीं मेरे। पर मुझे मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सो मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरा कोई वो गलत मकसद नहीं था। और रही बात नेक्स्ट की, मेरी आवाज़ काफ़ी कम आती है। हाँ, मुझे लगता है कि एक्चुअली लड़कियों की आवाज़ थोड़ी शार्प होती है, तो किरण जो है थोड़ा सा जो बोलती है आवाज़ थोड़ी शार्प होती है, तो जल्दी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। मैं थोड़ा धीमे भी बोलता हूँ और लड़कों का आवाज़ थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं, शार्प नहीं होती है, तो नहीं उतना अच्छे से रिकॉर्ड हो पाती। तो अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जब भी ऑनलाइन बिजनेस चालू होंगे या मार्केट चालू होगा तो मैं एक माइक ज़रूर खरीद लूँगा जिससे मेरी आवाज़ क्लियर आए। तब तक थोड़ा सा मेरे साथ आपको हल्की हल्की आवाज़ में सुनना पड़ेगा। मैं एडिटिंग के टाइम बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे वीडियोस की एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ, मैं एम्प्लॉय से नहीं कराता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों की बात है, जब तक एक आध महीने लॉकडाउन जब तक नहीं खुलता तब तक थोड़ा सा ऐसे चलो। तो चलो, गाड़ी का काम तो हो गया, अब मैं जाता हूँ घर पे, और घर पे भी बहुत सारा काम है, वैसे बताया ना, साफ़ सफाई करनी बची है, रात में नहीं किया, और उसके बाद आज की वीडियो भी एडिटिंग करना है मुझे, क्योंकि शाम को पब्लिश करना है, और मेरे को अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना है, वो भी ज़रूरी है, तो बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो फटाफट मैं जाता हूँ, सारे काम को निपटाता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। तो साफ़ सफाई का काम हो गया और अब बारी है सुंदरता की, तो सुंदरता पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, आज कुछ नया लेके आया हूँ मैं, ये पोर्स एंड मार्क्स आयल, किसका है, नेचर स्योर का पोर्स एंड मार्क्स आयल, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, बहुत पहले मैं थोड़ा यूज करता था, तो लगाना भी सिंपल है, तो जब कम टाइम हो 15-20 मिनट ही हो तो इसको 2 मिनट में लगा लेंगे, उसके बाद 10 मिनट इसको छोड़ देने का चेहरे पर, फिर नहा धो लेने का, ये पोर्स एंड मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसको कुछ नहीं, ये आयल है और ये ड्रम स्टिक का आयल है, इसको साइंटिफिक नेम बहुत अच्छा कुछ होता, मोरिंगना पता नहीं क्या, मोरिंगा, तो ये एक्चुअली ड्रम स्टिक का आयल होता है, जब मैंने देखा था वो अच्छा होता है काफ़ी। तो ये आयल को लगा के, ये कितना सारा आयल लगा दिया चेहरे पे, मेरा पूरा आयल आयल हो गया, अच्छे से इसको मसाज कर लूँगा, फुल आयली आयली हो गया चेहरा मेरा, 10 मिनट के लिए चेहरे को छोड़ दूंगा ऐसे ही, और उसके बाद नहा धो लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे बातें करता हूँ। तो कुछ बनाए बिना मुझे मज़ा आती नहीं, तो आज मैंने अभी तक कुछ पकाया नहीं है, तो आज मैं पकाने का सोच रहा हूँ केसरी रवा। केसरी रवा इसलिए इसको बोलते हैं कि केसर कलर का होता है, यानी केसरी कलर का होता है, चाहे इसमें वो कलर आप केसर से ले आए, चाहे आपके पास केसर कलर का मतलब ऑरेंज कलर का आपके पास, केसर मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज कलर का आपके पास कलर हो तो उससे भी ला सकते हैं। मेरे पास अभी लॉकडाउन है तो केसर तो ख़त्म हो गया पिछली पिछले रेसिपी में, तो केसर नहीं यूज करूँगा मैं, कलर यूज करूँगा, मेरे पास ऑरेंज कलर है। और 1 कप रवा लिया है मैंने, उसके ठीक दुगना पानी चाहिए, 2 कप पानी, और जितना रवा लिया उसके आधा घी, यानी आधा कप घी लूँगा मैं, और चीनी भी मैं आधा ही कप लूँगा, जब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करूँगा, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 कप चीनी कर सकते हैं, तो या 3/4 कप कर सकते हैं, और 7-8 काजू और उतने ही किशमिश, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी लगती है, तो साउथ इंडियन रेसिपी है, तो चलो ट्राई करते हैं केसरी रवा। सबसे पहले एक पैन लूँगा मैं, पैन में क्या करूँगा कि 2 चम्मच के आसपास घी डालूँगा, देसी घी, पूरा निकल नहीं रहा, तो 2 चम्मच देसी घी, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे मैं डाल दूंगा,
इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूंगा थोड़ा। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए, इसको निकाल लूंगा मैं। देखिए कुछ लाल पीले हो गए, इनको निकाल लेंगे। और इसी में मैं डाल दूंगा, फ्लेम को कम रखेंगे, रवा डाल दूंगा। ये रवा को हल्का सा फ्राई कर लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत हल्का सा। हलवे के जैसा नहीं फ्राई करना, जो सूजी हलवा बनाते हैं ना उसके जैसा फ्राई नहीं करना, उससे थोड़ा कम करना। नहीं भी फ्राई करेंगे तो भी चलेगा, तब आपको पानी ना थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा देर तक पकाना पड़ेगा। फ्राई करने से क्या होता है, थोड़ा सा पहले ही पक जाता है। ये देखिए मेरा रवा फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकाल लूंगा। तुमने निकाल के अब इसी बर्तन में क्या करूंगा मैं, इसी बर्तन में मैं 2 कप पानी पीने का, इस पानी में डालूंगा मैं कलर, जिससे इसमें कलर आ जाए। देखिए इसमें कलर आ गया, पानी को थोड़ा बॉयल होने देंगे। देखिए मेरा पानी बॉयल होने लगा, अब इस पानी में मैं क्या करूंगा, ये सूजी को मैं डाल दूंगा पूरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लंप्स नहीं बनने देंगे। फ्लेम को कम कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे सारे लंप्स चले जाएं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा मैं चीनी, ड्राई फ्रूट थोड़ा दिया तो पहले चीनी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पाँच छः चम्मच घी, और क्योंकि मुझे आधा कप घी करना है। और ये डाल दूंगा मैं ड्राई फ्रूट्स, इनको डाल के अच्छे से मिक्स करूंगा। मिनट पकने दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा केसरी हलवा बनके तैयार हो गया। इसको थोड़ा गीला ही रखते हैं, एकदम ड्राई नहीं करते हैं। तो इसको गैस को मैं बंद कर दूंगा, और इसको सर्व कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर्व करने के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में हलवे को भरेंगे, पूरा फुल करेंगे कटोरी को एकदम से, ऐसे पूरा कटोरी में गैप नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। इसको बराबर से फुल करेंगे, ठीक है, ऐसे देखिए। थोड़ा सा इसको खोल भी देंगे जिससे इसमें गैप ना रहे पूरी तरह से। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे कटोरी में भर के। इसी तरह मैं इस तरह 2 कटोरी में भर लेता हूँ। ओके, थोड़ा 1 मिनट छोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरा इसको सर्व कैसे करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। क्या करेंगे, जो कटोरी में हलवा जम गया था उसको थोड़ा सा मैंने चाकू से किनारे किनारे से कट मार दिया जिससे आराम से पलट जाए। इसको ऐसे रखेंगे,
और इसको इस तरह से पलट देंगे। थोड़ा आराम से पलटेंगे कि टूटने ना पाए। और इसके ऊपर एक काजू अलग से ऐसे दबा देंगे, ये देखिए एक। अब दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर क्रैक आ रहा है तो इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। और इस पे भी ये काजू, ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना केसरी हलवा। अम्मा के लिए भी मैंने शुगर फ्री बना लिया था वीडियो, तो उसको भी पलट दूंगा। तो अम्मा के लिए भी मैंने जो शुगर फ्री बनाया था उसको देखिए अभी पलट देंगे। और ये देखिए उसको भी मैंने, ये अभी काफ़ी गर्म है, अभी बाद में बना है एक्चुअली। काफ़ी गर्म है लास्ट में बना है, ये देखिए। और इस पे भी एक काजू ऐसे लगा देंगे, ये देखिए केसरी हलवा बन गया। अब इसको टेस्ट कराते हैं लोगों से, पूछते हैं कैसा बना है। तो अम्मा को देते हैं अम्मा का शुगर फ्री। अम्मा केसरी रवा खाओ, चम्मच से खाओ। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। अम्मा के लिए शुगर फ्री बनाया है, मीठा है ना। वो लोग हमेशा बेड पे बैठ के ना बस लूडो खेलते रहते हैं। तुमको भी तुमको दिख गया, मैं तुमको दिखा मैं केसरी रवा ला रहा हूँ इसलिए तुमने छोड़ मुझे दिया। अभी ये डर लग रहा है ना कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा जिस दिन भी, और ये जो राज आदत लगा रहे हैं रोज ऐसा कुछ ना कुछ खिलाने की, तब क्या होगा? लेकिन ये हम लोग की जो आदत लग जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन एक दो दिनों में तो ठीक नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। अब बताओ तब अभी, क्या होगा जब तब, नॉर्मल तब का तब देखेंगे। अभी एंजॉय करो, अभी केसरी रवा खाओ और बताओ ये कैसा बर्थडे बना। केक लग रहा है, हैप्पी बर्थडे कर दो क्या? 23rd को भी काट देंगे, बना देंगे। प्रैक्टिस, अरे खा के तो देखो। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। चलो प्रैक्टिस, अरे गाना तो गाओ, मैंने केक काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर 23 अप्रैल को हम लोग नहीं काटेंगे तुम्हारा केक? सब्सक्राइबर के लिए, तुम्हारे लिए? मेरे लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव ने स्पेशल बनाया है। तो सब्सक्राइबर को भी खिला देना बाद में। ओके ठीक है, वो बर्थडे के खिलाएंगे ना, ये तो ट्रायल चल रहा था। अरे सब्सक्राइबर्स तो खुद भी बना सकते हैं। ऐसा है? वेरी नाइस है, यम्मी, ना कम ना ज्यादा कुछ, बहुत अच्छा है। मैं वो लड्डू होता है उसके साथ। तुमने ऐसे क्यों नहीं बोला ओ बीबी? ऐसे नहीं हंसते अच्छे से। सो अब मैं केसरी रवा लेके डांस करूँ क्या? सॉरी अम्मी, मुझे अभी कुछ ज्यादा बोलना ना पड़े ऐसे क्वेश्चन। चलो थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ और अम्मा को देखते हैं। देखिए अम्मा भी खा रही है, एंजॉय कर रही है, सब लोग खा रहे हैं, मुझे भी खाने चाहिए। तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा सूजी के हलवे से अलग बना है, काफी अलग है टेक्सचर, भले हलवे जैसा है बट स्वाद अलग। हलवा थोड़ा और ड्राई होता है, थोड़ा गीला है, और फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बना है। और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और गीला मुझे रखना चाहिए था। नहीं नहीं परफेक्ट लग रहा है मुझे, जनरली ऐसे ही टेक्सचर का और ऐसी और मैं हम लोग थोड़ा मीठा बहुत दिनों से ज़्यादा हो रहा था, किरण बोली थी आज कम मीठा बनाना इसलिए चीनी थोड़ा कम डाला। और आप इसमें ना चीनी जितना रवा ले रहे हैं उतना ही चीनी डालना, मुझे लग रहा है चीनी इसमें ना मैंने आधा कप डाला है, तो एक कप रवा लिया, तो आप एक कप रवा लीजिए तो एक कप चीनी लीजिए, इसमें चीनी डबल होगी तो थोड़ा इलास्टिसिटी भी इसकी बढ़ेगी, चिपचिपाहट बढ़ेगी। हाँ, तो अलग अच्छे से चिपक के आएगा और थोड़ा सा मीठा होगा। भी होगा और तो और अच्छा ये शेप लेगा। तो आप एक कप, नहीं ये कम चीनी डाला तो फिर भी अच्छा।
हम लोग मीठा मैं बहुत दिनों से इनको खिला रहे थे, बोर हो गए थे, तो कम मीठा वाला बनाया आप, पर एक कप चीनी डालना, बहुत अच्छा बनेगा। और मैंने इलायची का इसमें पाउडर नहीं डाला क्योंकि मेरे घर पे इलायची पाउडर है नहीं, और खड़ी इलायची मैं डालना नहीं चाहता था, क्रश करने में बहुत टाइम लगता था, मेरा इतना मेहनत करने का मन नहीं हो रहा था। तो आप अगर इलायची पाउडर है या इलायची छोटी इलायची को क्रश करके डालेंगे तो और अच्छी खुशबू भी आएगी इसमें। तो इसको बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपने कभी नहीं खाया है केसरी रवा तो एक बार जरूर बनाइए, और केसर आपके घर पे है तो कलर की जगह केसर डालिएगा और अच्छा मजा आएगा खाने में। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ ये भी नहीं ट्राई भी कीजिए ये तो बेल बटन को भी दबाना है आपको, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं मिलूंगा कल शाम को, किरण मिलेगी कल सुबह इसी चैनल पे, इंडियन मामा ड्यूटी पे। तब तक के लिए बाय बाय।